हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम क्लास एट्थ का फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर का। फोर्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और फिर हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रेशर भी फोर्स के साथ ही रिलेटेड है। तो ये स्टूडेंट्स ऐसा चैप्टर है जो आपको हायर क्लासेस में भी बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नाइन्थ में भी आप फिजिक्स करोगे, फोर्स की बात तो वहीं पे भी होनी है, ठीक है। मतलब जहाँ तक आपने फिजिक्स पढ़नी है वहाँ तक फोर्स की बात ज़रूर होनी होनी है, ठीक है। तो आज हम फोर्स को समझते हैं, फोर्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब फोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पुश एंड पुल बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है, पुश एंड पुल ही, ठीक है। फोर्स मतलब कि जोर लगाना, ठीक है, अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हिंदी में समझा जाए तो जोर लगाना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, अगर पुल करना है तब भी आपको जोर लगाना पड़ेगा, जब पुश करना है तब भी आपको जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मगर पुल एंड पुश में डिफरेंस है। पुल मतलब कि खींचना, ठीक है, पुल उसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, पुश उसको पुश कर रहा है, ठीक है ना। तो पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का मारना, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर पुल करना है और पुश करना है तो मतलब कि फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है, ठीक है, दोनों वेज में, पुल एंड पुश में। तो जैसे इस ब्लॉक को पुश किया तो ऑब्वियस है फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मैन फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जब पुश किया तो ब्लॉक पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि पुल एंड पुश इज अ फोर्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम फोर्स को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। एट द एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू सेट अ बॉडी इन मोशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक बॉडी है कोई जो कि रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पैरामीटर्स की बात मैं बहुत बार करूँगा फोर्थ चैप्टर में, किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी की, ठीक है। तो स्पीड को आप समझो, स्पीड आपको आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिक्स क्लास में से ही स्पीड के मतलब फिफ्थ सिक्स से ही डिफाइन आप करने लग जाते हो। स्पीड क्या होता है, जिस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ठीक है। मतलब कि अगर बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो उसका क्या मतलब है कि वो एक सेकंड में बॉडी 10 मीटर कवर कर रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी भी सिंपल वही स्पीड ही होती है, ठीक है। मतलब कि इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब कि अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मूव कर रही है, तो मैं क्या कहूँगा, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, या ऐसे भी कह सकता हूँ उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो अब बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑब्वियस है ज़ीरो होगी क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर इसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया जाए तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। मोशन का मतलब क्या है, अब इसके इसके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब कि फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई, ठीक है, और ठीक है इसकी स्पीड बढ़ने लग गई, ऐसे कह लो, ठीक है। मतलब बेसिक फोर्स जो है दैट टेंड्स टू सेट अ बॉडी इन मोशन, पहले रेस्ट पे था फिर वो मोशन में आ गई। मोशन में आ गई मतलब कि किसी स्पीड से
मूव करने लग गई, ठीक है ना। तो स्पीड ऑब्वियस वेरी करने लग गई, पहले रेस्ट पे था, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स तो लग ही रहा है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, फिर फोर्स अगर लग ही रहा है तो फिर स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, मतलब कि रेस्ट से बॉडी को मोशन में ले आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ ये रही। अब सेकंड क्या है, विच चेंजेस द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑब्वियस है, रेस्ट से मोशन में आ गई, ठीक है, फोर्स लगा तो ऑब्वियस स्पीड भी चेंज हो रही है, देखो फोर्स लगा, पहले रेस्ट पे था मतलब स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, फोर्स लगा, लग रहा है कॉन्टीन्यूसली, फिर स्पीड 2 हो गई, फिर 10 हो गई, ऑब्वियसली फोर्स स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। फिर तीसरा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जैसे इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल आ रही 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये बैट पे हिट कर गई, ठीक है, बैट पे हिट करने के बाद बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। देखो हुआ क्या कि ये जो बॉल है ये बैट को हिट करी, हिट करने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, तो फोर्स किसने लगाया, यहाँ पे बैट ने लगाया, किस पे लगाया, बॉल पे, जिसके कारण उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो तीसरा, विच कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, बॉडी की शेप चेंज होना, जब आप लेमन को स्क्वीज करते हो, नींबू को, ठीक है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप कैसे चेंज होती है, जब आप उस पर जोर लगाते हो, ठीक है ना। तो ये फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, टू पुश और टू पुल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है, वही है, जोर लगाना, पुल करना या पुश करना, वो भी फोर्स है। फोर्स को अगर थोड़ा टेक्निकली और डिफाइन करना है, उसके लिए ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन ऐसी है, मतलब एट्थ में बच्चे, मतलब टीचर्स ये कह देते हैं पुश और पुल इज अ फोर्स, ठीक है, तो जब हम नाइन्थ में फोर्स को डिफाइन करेंगे तो थोड़ा टेक्निकली इस तरीके से डिफाइन करेंगे। फोर्स जो होता है बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आता है, ठीक है, मोशन से रेस्ट पे ले आता है, या स्पीड चेंज कर देता है, ठीक है, या शेप चेंज कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा फोर्स, ठीक है, तो हम फोर्स को हमेशा एफ के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है, एफ के साथ, हमेशा फोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ के साथ उसको डिनोट आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मास को किस में तोलते हैं, किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम्स में, ठीक है, वैसे हम क्या कहेंगे, किलोग्राम इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ मास। अब एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ में पाउंड में मेज़र करते हैं मास को, ठीक है, कुछ में किलोग्राम में, कुछ में ग्राम्स में, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मगर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, जो इंटरनेशनली चलती है, उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। वैसे एसआई यूनिट मास की है किलोग्राम, ठीक है, लेंथ की है मीटर, ठीक है, टाइम की है सेकंड, ये एसआई यूनिट्स हैं। तो वैसे ही फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और सीजीएस क्या होता है, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, CGS ये अनदर सिस्टम है, SI जो सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है ना, जो इंटरनेशनली जो अभी प्रेजेंट चल रहा है सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम ये मतलब कि इसमें क्या होता है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, ठीक है ना, ये वो वाला सिस्टम है जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट में हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में,
ठीक है, और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में, तो हम एम के एस भी कह देते हैं कई बार, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। मतलब कि एम के एस सिस्टम को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज्ड कर दिया और अच्छा बना दिया, तो वो क्या बन गया, एस आई बन गया। बेसिक डिफरेंस यही है, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है, चलो वो बाद की बातें हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। मगर आपने यहाँ पे क्या सीखना है, एम के एस सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, ठीक है, और इसी को ही हम एस आई भी बोलते हैं। इसका इम्प्रोवाइज्ड मतलब इसकी इम्प्रूवमेंट कर दी और अच्छे से, तो वो एस आई बन गया, ठीक है। तो सी जी एस जिसमें सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में मेज़र करते हैं, ठीक है, और सी जी एस यूनिट होती है डाइम, ठीक है। तो इनका आपको कन्वर्जन फैक्टर भी पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, वन न्यूटन में ना 10^5 डाइम्स होते हैं, मतलब 10^5 मतलब 1 लाख, एक न्यूटन में 1 लाख डाइम्स होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन है। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो हमने टेक्निकली डिफाइन किया था फोर्स को, ठीक है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड को चेंज करना, शेप को चेंज करना, ये सभी इफेक्ट्स ही थे, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा और हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, ठीक है, वही जो मैंने बताया था, बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स लगा तो वो मोशन में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों यहाँ पे देख सकते हो जीआईएफ्स में कि तीनों में क्या हो रहा है, बॉडी पहले रेस्ट पे थी, ठीक है, फिर बाद में वो मोशन में आ गई फोर्स के लगने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे भी बॉल रेस्ट पे थी, जब उसने किक करी बॉल को तो वो रेस्ट पे आ गई, ठीक है, और यहाँ पे भी बॉक्स रेस्ट पे था, जब उसने लिफ्ट किया उसे तो वो मोशन में आ गया, ठीक है। तो सभी में यही हो रहा है, यहाँ पे बॉल जो है ये मोशन में आई, ठीक है, फुटबॉल, और यहाँ पे जो रेड बॉल थी, रेड बॉल पे देखो ब्लू बॉल फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स से ये बॉल जो है ये मोशन में आ गई, इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ गई, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये रेस्ट पे था, जब लिफ्ट किया तो उसको मोशन मिल गया यहाँ पे भी। तो फर्स्ट इफेक्ट यही है कि फोर्स जो है वो रेस्ट से मोशन में ले आता है बॉडी को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो ट्रक ने ब्रेक्स लगाई तो वो रुक गई, ठीक है। यहाँ पे देखो जो गोलकीपर है उसने बॉल को रोक दिया फोर्स लगाकर। तो अब स्टूडेंट्स, बेसिक डिफरेंस क्या है फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट में, आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। अब स्टूडेंट्स, जब भी फोर्स जो है, देखो बॉडी कोई रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है, रेस्ट पे पड़ी है तो ऑब्वियस है जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में हो जाएगी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक और आप चीज़ देखो, अगर स्टूडेंट्स बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, मान लो बॉडी जो है वो 10 m/s से मूव कर रही है, ठीक है, जब हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा देना तो क्या होता है, स्पीड बढ़ने लग जाती है, ठीक है। उसका अपोजिट, अगर बॉडी 10 m/s से मूव कर रही है और मैंने फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बॉडी ना, बॉडी की स्पीड कम होने लग जाती है, यहाँ पे बढ़ने लग जाती है, यहाँ पे कम होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो ट्रक काफ़ी स्पीड से आया, ठीक है, ट्रक काफ़ी स्पीड से आ रहा है, मगर जो ब्रेक्स हैं
ब्रेक्स के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो जो इसके कारण क्या हुआ, जो ट्रक है वो रुक गया, ठीक है ना। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया, ब्रेक्स ने लगाया ये, उसके कारण इसकी वेलोसिटी कम होती गई और फाइनली ये ट्रक रुक गया, ठीक है। यहाँ पे भी यही हुआ है, बॉल आई, ठीक है, बॉल मान लो इस डायरेक्शन में आई, ठीक है, और गोलकीपर ने इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया तो बॉल रुक गई, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब फोर्स वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड, बेसिक डिफरेंस ये है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मगर ये रफ्तार, रफ्तार समझते हो ना हिंदी में, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर मैं बॉडी कहूँ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ स्पीड बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वेलोसिटी बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड है। बेसिक डिफरेंस ये है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में भी आपको मैं फ़र्क बताऊँगा। तो ये स्टूडेंट्स मोशन का इफेक्ट है, जब फोर्स स्पीड की डायरेक्शन में लगता है तो स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स स्पीड की, तो स्पीड कम होती जाती है, कम होती जाती है, फाइनली बॉडी रुक जाती है, ठीक है। चलो मैं अब यहाँ पे आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस भी बता देता हूँ। बच्चों स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मास को लिखना है तो आपको एक तो वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2, 3, 5, एक क्या चाहिए, यूनिट, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, क्वांटल, टन। तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो आपके मदर ने आपको भेजा बाज़ार की चीनी लेकर आओ, तो आपकी मदर आपको दो चीज़ें बताएंगी, क्या, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4, फिर बताएगी किलोग्राम लेकर आनी है या क्वांटल लेकर आनी है या ग्राम लेकर आनी है, ठीक है ना। दो चीज़ें आपकी मदर बताएगी तब आप जाके चीनी खरीद सकते हो, ठीक है। वैसे ही फोर्स जो है, अगर आपकी मदर ने कहा कि इस चेयर पे आप फोर्स लगाओ, चेयर पे, ठीक है, तो आपकी मदर आपको तीन चीज़ें बताएंगी, क्या, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना फोर्स लगाना है, 10, 20, 30, 40, फिर बताएंगे कि न्यूटन में लगाना है, डाइन में लगाना है, ठीक है ना, फिर बताएंगे कि किस डायरेक्शन में लगाना है, ईस्ट में लगाना है, वेस्ट पे लगाना है, साउथ में लगाना है, नॉर्थ में लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, और यूनिट्स तो ऑब्वियस चाहिए चाहिए होते हैं, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट्स, दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये हम बात कर रहे थे फोर्स, फोर्स भी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो फोर्स की यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है ना, कि फोर्स अगर स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है तो वो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो स्पीड घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ, एक्चुअल में बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैंने बॉडी लिखा हुआ है कि बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, मैं स्पीड दी है मैंने। अगर मैंने ये कह दिया कि बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको वेलोसिटी दे दी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अगर मैंने सिंपली लिखा कि बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है,
तो इसका मतलब मैंने आपको स्पीड दी है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब मैंने डायरेक्शन भी दे दी तो इसका मतलब मैंने वेलोसिटी की बात करी है, ठीक है ना। ये अकेली स्पीड है, अगर डायरेक्शन के साथ ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, ये डिफरेंस है बस। तो चलो नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो ये बॉल देखो, बॉल पहले कम स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है, फोर्स इस पर लग रहा है, कंटिन्यूसली लग रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वही है, बॉल की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और इस पे फोर्स भी इधर लग रहा है, तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले मान लो ये रेस्ट पे थी, फोर्स लगा तो मोशन में आ गई, ठीक है, मान लो रेस्ट से 1 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गई, फिर फोर्स लगता गया, 1 से 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, फिर 10 हुई, 20, 30, 50, ठीक है, इस तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही है, वो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है ना। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स हमेशा स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अगर यही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है वेलोसिटी के, तो उसकी स्पीड वो कम कर देता। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। जैसे ये बॉल आई है, नीचे कह लो ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, तो ग्राउंड से बॉल टकराई, ठीक है, पहले उसकी स्पीड देखो नीचे की तरफ थी, ठीक है, टकराने के बाद उसकी स्पीड हो गई ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है। तो मतलब कि पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे थी, टकराने के बाद ऊपर हो गई, वो क्यों हुई? क्योंकि ग्राउंड ने उस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। ग्राउंड ने उस पे फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? हाँ जी बच्चों, ग्राउंड जो है, ग्राउंड फोर्स लगाएगा इस पे इस डायरेक्शन में, जिसके कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो गई, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, ठीक है ना। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, बैट के साथ देखो, शॉट मारा, ठीक है, बेसबॉल के साथ, तो उससे भी यही हुआ है जो बैट बॉल की एग्जांपल दी थी। बॉल आई कुछ स्पीड से, ठीक है, और उसने शॉट मारने के बाद उसको रिवर्ट बैक कर दिया, मतलब कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। तो वही है, जो बेसबॉल ने फोर्स लगाया बॉल पे, उसके कारण उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट इफेक्ट था। अब उससे नेक्स्ट इफेक्ट देखो, इट कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी लेमन को स्क्वीज करने की, तो उससे इसकी ऑब्वियस शेप चेंज हो रही है, ये केक है, ठीक है, तो ऑब्वियस है, उसे पकड़ के हम फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। और ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग पे अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस है उसकी शेप एलोंगेट हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, शेप चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने उसे छोड़ दिया, ये वापस अपनी फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और भी रबर बैंड जैसे होता है, रबर बैंड को खींचते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ फोर्स के इफेक्ट्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इफेक्ट जो है, फोर्स कैन मेक अ बॉडी रोटेट, ठीक है। जैसे आप अपना दरवाज़ा खोलते हो तो क्या करते हो? फोर्स लगाते हो, वो खुल जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये फैन है, फैन पे मैंने फोर्स लगाया तो ये घूम गया, ठीक है। तो फोर्स बॉडीज को रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। वो बात है कि फोर्स एक्चुअल में ना, आपको थोड़ा सा मैं और डिटेलिंग दूँ, फोर्स का एक तो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होएगा और इसकी डायरेक्शन भी होएगी,
ठीक है। तीसरी चीज पता क्या होती है बच्चों, तीसरी चीज होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इससे हमें पता लगता है कि बॉडी रोटेट करेगी या नहीं, ठीक है। फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और तीसरी कौन सी चीज से जाना जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जैसे बच्चों देखा जाए, ये रिमोट है, ठीक है, तो ये रिमोट है। अब इस पे मैं अगर फोर्स ऐसे लगाता हूँ, ऊपर की तरफ लगाता हूँ, तो ये ऊपर जा रहा है सीधे, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब लीनियर मोशन है, एक लाइन पे मोशन है, ठीक है। अगर यही फोर्स मैं इधर लगाऊँ, इस साइड लगाऊँ, तो ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा था, मतलब कि चलो ऐसे भी देख लो, अगर मैं ये रिमोट तो वो सीधे जा रहा है, ठीक है। अब यही रिमोट है, अगर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस पॉइंट पे लगा रहे हो, ठीक है। फोर्स अगर ऐसे लगा रहा हूँ तो ये सीधे लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है। अगर वही फोर्स में अगर ऐसे लगाऊँ तो ये रोटेट करने लग गया, ठीक है ना। तो तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स आप कौन सी पॉइंट पे लगा रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे लगा रहे हो तो ये सीधा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लगा रहे हो तो ये घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। तो तीन चीज़ों से फोर्स जाना जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो MCQ है, फोर्स कैन, ठीक है, मतलब कि हमने ऑप्शन पे टिक करना है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ऑब्वियस करता है फोर्स, सही है। चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल। अब इस बात को समझो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो फोर्स वही है, स्पीड चेंज कर ही देता है, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर आपको बात कही जाए स्टेट ऑफ मोशन की, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप्स के, एक तो रेस्ट, ठीक है, दूसरा मोशन। तो मोशन की आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है, मतलब दो स्टेट्स होती हैं मोशन की, एक रेस्ट एक मोशन। मोशन की आगे क्लासिफिकेशन होती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो वही है बिल्कुल, फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर देता है, रेस्ट से मोशन में ले आता है, मोशन में रेस्ट पे ले आता है, और यूनिफॉर्म मोशन को भी चेंज कर देता है। बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, अगर उसी के डायरेक्शन में लगे, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, फाइनली बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। तो तीसरा क्या है, चेंज द शेप ऑफ बॉडी, ये भी ठीक है, ठीक है, मगर हमने तो एक पे टिक करना है, मगर डी क्या है, ऑल ऑफ अबव, तो इस पे हम टिक कर देंगे, सारी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्स हैज, फोर्स का आपको बताया मैंने वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होएगा और डायरेक्शन भी होएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैंने कहा कि बच्चों फोर्स लगाओ, तो आप तीन चीज़ें पूछोगे ना कि सर कितना मैग्नीट्यूड, न्यूटन में लगाना है कि डाइन में लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स आपको बताया मैंने, मीटर तो किसकी होती है, लेंथ की, ठीक है,
पास्कल जो ये प्रेशर की होती है, ठीक है, हम करेंगे इसको सेकंड टाइम की, तो ऑब्वियस है न्यूटन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 m/s, मतलब कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है जो कि है 5 m/s, कहते हैं ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है, बॉडी 5 m/s से ही चल रही है, ये चेंज नहीं हो रही। तो अगर ये चेंज ही नहीं हो रही है तो फोर्स क्या होएगा इस पर, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स अगर लगेगा या तो ये बढ़ेगी या घटेगी, वो भी आपको बताया कब बढ़ेगी कब घटेगी, ठीक है, तो फोर्स मस्ट बी ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट्स हमने फोर्स की बेसिक डिस्कशन करी, ठीक है, फोर्स के इफेक्ट्स देखे, उसको डिफाइन किया और कुछ सिंपल से MCQs करे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।